स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सूरत बोई कृष्णा में। दोस्तों रेलवे से जुड़ी किसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप सूरत बोई कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड आप देख सकते हैं एक नए लोकेशन पर वीडियो शूट हो रही है, इसमें मैं हूँ प्रयागराज जंक्शन पे। और दोस्तों एक अपडेट आई, मैं सोचा वीडियो के माध्यम से आपको बता देना चाहिए। तो फ्रेंड ऐसे रेल यात्री और ऐसे ट्रैवल एजेंट जो दोस्तों पर्सनल यूजर आईडी से टिकट सेल कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों बहुत बुरी खबर है। दोस्तों ऐसी कोई भी अपडेट आती रहती तो मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताता रहता हूँ। तो फ्रेंड एक न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला हुआ है कि पहले रेलवे जो मतलब इलीगल तरीके से पर्सनल यूजर आईडी से टिकट सेल करते थे उनको मतलब पकड़ने के लिए लोगों की मदद लेती थी। लेकिन दोस्तों अभी हो क्या रहा है कि रेलवे बोली है ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेलवे को राइट एजेंट हैं, जो ई मित्र सर्विसेज चला रहे हैं, वो भी पर्सनल यूजर आईडी से टिकट सेल कर रहे हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लोग एजेंट आईडी है मतलब रेलवे के ऑथराइज्ड एजेंट है, फिर वो पर्सनल यूजर आईडी का मतलब यूज करके क्यों टिकट बेच रहे हैं। तो फिर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि तत्काल टिकट बुकिंग की अगर हम बात करें तो 11 बजे एग्जिट खुलता है, जो कि पर्सनल यूजर आईडी से ही आप बुक कर सकते हैं अगर वो बिजी रूट की हो। क्योंकि दोस्तों अगर आप एजेंट आईडी का यूज करेंगे तो 15 मिनट बाद वो एक्टिवेट होगा और सिंपल सी बात है आपके हाथ से तत्काल मिस हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों जो एजेंट होते हैं वो पर्सनल यूजर आईडी का यूज करते हैं। अब दोस्तों बात हम करते हैं, जैसे इस समय एडवांस में दिवाली की बुकिंग हो रही है तो ऐसे में बहुत से रेलवे के ऑथराइज्ड एजेंट है जो दिवाली की बुकिंग करने के लिए दोस्तों पर्सनल यूजर आईडी का यूज करते हैं। तो फ्रेंड कुछ ऐसे रीजन रहते हैं, एक हिसाब से मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो रेलवे के ऑथराइज्ड एजेंट होते हैं वो भी मजबूर होते हैं कि मतलब वो भी मजबूर होते हैं कि वो खुद पहले सोचते हैं कि हम ना चाहें कि मतलब कि पर्सनल आईडी का यूज करें, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं वो मजबूर होते हैं, इसकी वजह से वो पर्सनल यूजर आईडी का यूज करते हैं। तो दोस्तों रेलवे की तरफ से एक नया अपडेट ये आया है कि अब रेलवे की साइबर टीम और दोस्तों जो IRCTC है वो रेलवे को खुद बताएगी कि कौन से आईडी से एक महीने में कितना टिकट बुक हो रहा है। जी हाँ फ्रेंड आप बिल्कुल सही सुने, अब रेलवे की जो साइबर टीम है और IRCTC खुद मतलब RPF को जानकारी देगी और बताएगी कि इस आईडी से कितना एक्टिवेट हो रहा है। दोस्तों आपने देखा होगा बहुत से ऐसे ऑथराइज्ड एजेंट है जो अलग अलग आईडियों से बुक करते रहते हैं टिकट। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मतलब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बस यही बताना चाहता था कि अगर आप पर्सनल यूजर आईडी का यूज कर रहे हो, ज़्यादा यूज करके तत्काल टिकट सेल कर रहे हो तो फिर आप बंद कर दो। मेरा दोस्तों एक ही मकसद है आपको अपडेट देना समय समय पे, क्योंकि दोस्तों रेलवे ने जो मतलब इलीगल तरीके से, वैसे दोस्तों हम तो रेलवे को पैसा पूरा ही पेमेंट करता है जो रेल एजेंट रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं रेलवे उसको इलीगल बना दिया। उसका रीजन ये है कि आप पर्सनल यूजर आईडी से टिकट नहीं सेल कर सकते, केवल अपने फैमिली मेंबर का निकाल सकते हैं। और रेलवे को भी दोस्तों बहुत अच्छे से पता है ज़्यादातर जो टिकटें बुक होती हैं खासकर तत्काल में वो 95% पर्सनल यूजर आईडी का ही यूज होती है। और रेलवे को भी बहुत अच्छे से पता है कि बहुत से ऐसे एजेंट हैं जो तत्काल टिकट सेल करते हैं दुगने दुगने रेट में। और दोस्तों रेलवे को भी बहुत अच्छे से पता है कि तत्काल टिकट सभी लोगों के मतलब सभी लोग निकाल लें ये सबके पास नहीं है। और रेलवे को ये भी पता है कि मार्केट में बहुत सारी इलीगल तत्काल सॉफ्टवेयर आ गए, इसकी वजह से दोस्तों सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन कर देती है तत्काल टिकट बुकिंग के टाइम, आपने देखा होगा। तो फ्रेंड एनीवेज एक नई अपडेट आई थी, वीडियो के माध्यम से आपको बताना बहुत ज़रूरी था। तो फ्रेंड सतर्क रहिए, सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए दोस्तों। अगर रेलवे के आप ऑथराइज्ड एजेंट हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप अपनी आईडी का यूज़ कीजिए, जो ऑथराइज्ड एजेंट है आईडी उसका यूज कीजिए दोस्तों। क्योंकि अगर आप पर्सनल यूजर आईडी का यूज करके टिकट सेलिंग करेंगे तो सिंपल सी बात है जो अलग अलग कंपनियाँ जो आपको IRCTC की एजेंट आईडी प्रोवाइड करती है उनको लॉस होती है। क्योंकि दोस्तों जितना ज़्यादा उनकी आईडी से आप टिकट बुक करेंगे कंपनी को भी उतना प्रॉफिट होगा और रेलवे को भी उतना प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों इसकी वजह से रेलवे चाहती है कि जो जिसके पास शॉप है, जिसके यहाँ डेली बेस पे काफ़ी कस्टमर आते हैं, वो ऑथराइज्ड एजेंट बनके टिकट सेल करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको यही अपडेट देने वाला था। आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी यूजफुल लगी होगी। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप सूरत बोई कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहिए।